HTML में टेबल्स सिंपल टेबल के टैग के साथ डिक्लेयर होता है और उसी के साथ डिफाइन होता है, लेकिन हम इसके टेबल की मदद से बहुत सारी और चीजें भी अचीव कर सकते हैं. लेट्स लुक इनटू इट. हम अगर किसी एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर स्पैन करना चाहें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, तो वी सिंपली यूज कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारी फर्स्ट रो है, उसके अंदर हमने अपने एक एलिमेंट को एट्रीब्यूट दिया है कॉलम स्पैन 2. हमने कॉलम स्पैन के एट्रीब्यूट का जब वैल्यू हम 2 देंगे, तो दिस मीन्स के जो हमारे पास ये पर्टिकुलर कॉलम वैल्यू है ये स्पैन करेगा नेक्स्ट 2 वैल्यूज के ऊपर. ये TH की वैल्यू जो है फर्स्ट वन जो है वो रिप्रेजेंट वो मैच करेगी इस फर्स्ट वन के साथ, जबकि ये जो है क्योंकि हमने कहा है यहां पे कि ये इसकी कॉलम स्पैन 2 है, तो ये नेक्स्ट 2 कॉलम वैल्यूज के साथ मैच करेगा. सो दिस विल डिस्प्ले समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास जो टेबल हेडर था जिसमें हमने कॉलम स्पैन को 2 दिया था, वो स्पैन कर रहा है जो नेक्स्ट उससे रोज हैं उसकी दो कॉलम वैल्यूज के ऊपर. सिमिलरली अगर हम चाहें तो रोज को भी स्पैन कर सकते हैं टू मल्टीपल कॉलम वैल्यू, तो मल्टीपल रोज वैल्यूज. किस तरह से? हमारे पास एट्रीब्यूट है रो स्पैन का जो कि हम यूज करते हैं किसी भी एक वैल्यूज के साथ जिसको हम चाहते हैं कि वो स्पैन करे इन मल्टीपल कॉलम्स ओवर 2 रोज. सो हमने यहां पे जो एक रो ये हमने डिक्लेयर की थी, ये दूसरी रो हमारी जो है इसमें हमने फर्स्ट जो हमने टेबल हेडर है इसको हमने डिफाइन किया कि हमने ये रो स्पैन 2 है इसका, तो ये 2 रोज के ऊपर स्पैन करेगा. हमने इसके बाद जो नेक्स्ट है TR की जो टैग है इसके अंदर रिमेम्बर कि हमने सिर्फ एक वैल्यू दी है. क्यों? क्योंकि वो खुद दूसरी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी इसको कंसिडर करेगा, तो हम इसको क्योंकि इसकी स्पेस भी वही ले रहा है. हम यहां पे इसको देखते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरह होगा, उससे हमें ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी. सो दिस इज हाउ इट विल शो अप. नोट कि हमारे पास जो सेकंड हमने TH का टैग जो हमने डिफाइन किया था उसके अंदर जो वैल्यू थी हमने उसमें रो स्पैन 2 दिया था, तो वो हमारे पास यहां पे 2 रोज के ऊपर स्पैन कर रहा है उसकी वैल्यूज 1 और 2. हम इस तरीके से बहुत सारे जो हैं हम सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर्स को भी के लिए भी इस रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज करते हैं, और इसके अलावा हम बहुत सारे कई दफा हम इसको जो हमारा डिजाइन है उसके लेआउट के लिए भी उसको यूज करते हैं. हमारे पास टेबल्स के अंदर एक और टैग मौजूद है जो कि इसके साथ यूज होता है, जो कि कैप्शन का टैग है. हम अगर किसी पर्टिकुलर टेबल को कोई कैप्शन देना चाहें तो हम सिंपली कैप्शन के टैग के साथ यूज कर सकते हैं. लाइक इन दिस एग्जाम्पल यहां पे हमने टेबल के टैग के अंदर स्टार्ट में कैप्शन का टैग ऐड किया है जो कि ऑप्शनल टैग है. हम उसके अंदर हमने उसकी जो भी वैल्यू दी है वो एज अ कैप्शन डिस्प्ले होगी उस टेबल के लिए. रिमेम्बर कि हम HTML को हमेशा डेटा डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं, डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए नहीं. और फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास CSS मौजूद है, लेकिन जो HTML है इटसेल्फ वो हमें डेटा को सही डिक्लेयर करती है कि अगर एक टेबल है उसका कैप्शन क्या है, उसकी डेटा सेल्स में वैल्यूज क्या है, वो हमने यहां पे डिक्लेयर किए हैं. सो इट विल शो समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास जो कैप्शन है वो उस टेबल के साथ डिफॉल्ट जो ब्राउजर्स हैं वो उसको टेबल के बिल्कुल ऊपर डिस्प्ले करते हैं. ऑल्दो अगर हम चाहें तो इसका भी फॉर्मेट CSS की मदद से चेंज कर सकते हैं. टेबल्स हमें एक और कॉन्सेप्ट भी देता है, दैट इज सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग. हमारे पास टेबल्स में 2 एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं सेल की स्पेसिंग और सेल की जो इंटरनल पैडिंग है उसको मैनेज करने के लिए. इसको अंडरस्टैंड करते हैं. ये एक टेबल्स के यहाँ पे हमारे पास 6 सेल्स हैं, सेल 1 और सेल 2, सेल 21, 22, 31, 32. हमारे पास ये स्पेस जो कि 2 सेल्स के दरमियान है या ये स्पेस ये कहलाती है सेल स्पेसिंग, कि हमारे पास टेबल के बॉर्डर से कितनी स्पेस है, उसके अपने साथ के जो सेल है उसके साथ कितनी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग. और हमारे पास एक सेल के जो इंटरनल उसकी स्पेसिंग है उसके अपने बॉर्डर से उसके डेटा तक, ये कहलाती है सेल पैडिंग. यहां मैंने इस एग्जाम्पल में टेबल के अंदर सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट और सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज किया है. हमने वैल्यूज में 10 और 10 दी है जो कि अप्लाई होगी तमाम सेल्स के ऊपर. रिमेम्बर के सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग ये टेबल लेवल की 2 एट्रीब्यूट हैं जो कि हर सेल को इफेक्ट करते हैं.
हमारे जितने भी सेल्स हैं उनकी आपस की स्पेसिंग डिपेंड करती है सेल स्पेसिंग के ऊपर वैल्यू पे, और इसी तरह उसकी इंटरनल सेल के अंदर की पैडिंग जो है वो डिपेंड करती है सेल पैडिंग के एट्रीब्यूट के ऊपर। सो आई बिलीव हमारी थोड़ी सी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि टेबल्स को हम हैंडल किस तरह करते हैं। हमारे पास टेबल्स के तमाम जो सेल्स हैं उनके अंदर हम पैडिंग्स दे सकते हैं, उनकी आपस की स्पेसिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर चाहें तो कॉलम स्पैन से किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेल की वैल्यू को मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर स्पैन कर सकते हैं, और इसी तरह रो स्पैन के एट्रीब्यूट से हम किसी भी एक डेटा वैल्यू को मल्टीपल रोज के ऊपर स्पैन कर सकते हैं।